सब लोग हिंदू धर्म के सनातन धर्म के पालन करने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ पुण्य पाप की भावना बताई गई है। सबसे बड़े पाप गौघात आदि बताए गए हैं, लेकिन उससे भी बड़ा घात विश्वासघात बताया गया है। आपके जो उद्धव ठाकरे जी हैं, इनके साथ विश्वासघात हुआ है और इसी बात की पीड़ा बहुत सारे लोगों के मन में है। तो आज हम यहाँ पर उनके अनुरोध पर आए, उन्होंने स्वागत किया। हमने उनसे ये कहा है कि हम सबके मन में इस बात की पीड़ा है कि आपके साथ विश्वासघात हुआ। जब तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते, तब तक हम लोगों के मन का ये जो दर्द है, पीड़ा है, ये दूर नहीं हो सकती है। तो उन्होंने कहा है कि जैसा आप लोगों का बात होगा, हम किसका हिंदुत्व तो असली है तो ये जानना पड़ेगा कि जो विश्वासघात करे वो हिंदू नहीं हो सकता, जो विश्वासघात सह ले वो तो हिंदू होगा क्योंकि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। भाई हम कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी के साथ विश्वासघात हुआ है, अब इसे में आप समझ लीजिए। ये बीजेपी ने किया है, पूरे महाराष्ट्र की जनता इस बात से पीड़ित है, सबके मन में इस बात का दर्द है, चुनाव में इस बात का पता भी चल चुका है। अब तो ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि महाराष्ट्र की जनता इस बात को मानती है कि उद्धव ठाकरे जी के साथ विश्वासघात हुआ है, और ये ठीक नहीं है। ये जनता का भी अनादर है, जनता जिसके लिए बहुमत देती है उसको उसके समय तक के लिए बनाए रखना चाहिए। बीच में सरकार को तोड़ देना और बीच में जनमत का अनादर करना ये अच्छी चीज नहीं है। प्रति का आत्मक केदारनाथ नहीं बन सकता है। हमारे यहाँ शिव पुराण में द्वादश ज्योतिर्लिंग का व्याख्यान किया गया है, बताया गया है कि 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के जहाँ नाम बताए गए हैं वहीं पर उनका पता भी बता दिया गया है। और ये कहा गया है जैसे सौराष्ट्र सोमनाथम, पहले कहा सौराष्ट्र माने पता, उसके बाद कहा सोमनाथ, उसी तरह से केदारम हिमवत पृष्ठे, जो केदार है वो हिमालय के पृष्ठभाग में है, माने हिमालय में केदार है। तो आप दिल्ली में कहाँ से ला के रख दोगे केदार को, जब पता साफ साफ बताया गया है कि ये यहाँ लोकेटेड है, तो आप उसका लोकेशन क्यों बदलना चाहते हैं, क्यों जनता को भ्रम में डालना चाहते हैं। आप भगवान के हजार नाम है किसी नाम से स्थापना करके पूजा करिए, लेकिन केदारनाथ धाम दिल्ली में बनेगा ये अनधिकार चेष्टा है और ये नहीं होना चाहिए। क्या इसके पीछे राजनीतिक वजहें हैं, मजबूरी है? बहुत सारी राजनीतिक वजहें हैं। हमारे सभी जो हमारे धर्म स्थान है वहाँ पर राजनीति वाले प्रवेश कर रहे हैं, और अब हमारे धर्म स्थान में जहाँ प्रवेश करने में दिक्कत हो रही है, आप केदारनाथ में देखिए 228 किलो सोने का घोटाला हो गया, आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया है, ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया, कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी जी से आपने कल मुलाकात की, उनको आशीर्वाद दिया कल? हाँ, वो हमारे पास आए थे, उन्होंने प्रणाम किया। हमारा नियम है हम लोग आशीर्वाद देंगे, जो आएगा उसको आशीर्वाद देते हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे दुश्मन थोड़े हैं, हम उनके हितैषी हैं, सदा उनके हित की बात कह रहते हैं। जब उनसे कोई गलती हो जाती है तो हम उसको भी कहते हैं तुमसे ये गलती हो रही है, तो हमारे दुश्मन नहीं है। हमारे जरिए कोई हम कोई लाइसनर नहीं है, हमको श्रद्धा पूर्वक उन्होंने बुलाया था, हम जैसा कि हमारा नियम है श्रद्धा से बुलाने पर कहते हैं, हम आए। उन्होंने पादुका पूजन किया और अपनी जो उनकी अपनी बातें थी वो भी हमारे सामने रखी, हमने उनको सुन लिया। ये जो बात हम कह रहे हैं वो हम अपने मन की बात कह रहे हैं और पूरे महाराष्ट्र की जनता की बात।